देखिए, आज के इस वीडियो में फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन अटेंडेंस शीट हम कैसे तैयार कर सकते हैं गूगल शीट की मदद से। तो देखिए, सबसे पहले आपको गूगल खोलना है और अपने गूगल क्रोम में लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे देखिए ऐप्स वाले गूगल ऐप्स वाले ऑप्शन पे आना है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सीट्स वाला ऑप्शन मिलेगा, यानी इसी गूगल का सीट्स होता है जो कि एक्सेल के तरीके से सेम काम करता है। और सबसे खास बात है कि ये एक ऑनलाइन तरीके की सीट होती है जिसको आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे एक नई शीट बनाने के लिए मैंने ब्लैंक पे क्लिक कर लिया और फटाफट हम यहाँ पे सीरियल नंबर बना लेते हैं। देखिए, सीरियल नंबर के लिए एसएन कर दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टाफ नेम STA स्टाफ नेम जो भी आपको नेम वगैरह रखना है स्टाफ नेम कर देंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपका जो है इसके एक नीचे में थोड़ा सा जो है 1 वीक का मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ छोटा सा। तो मैं मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, मान लीजिए मैंने सैटरडे तक रख लिया। और इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो इस तरीके से फटाफट हम इसको छोटा कर लेंगे। तो इस तरीके से फटाफट आप इसको जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रिक्स होने वाला है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये। और इसको करने के बाद में आप इस प्रोग्राम को देखेंगे। यहाँ पे माउस जो है प्रॉपर तरीके से वर्क जो है नहीं कर रहा है। अब मैंने माउस पैड लगा लिया है और इस तरीके से हम फटाफट इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए, मैंने 1 वीक का सिलेक्ट करके बना लिया है। अब सिंपली आपको करना है इसको मर्सल, तो राइट क्लिक करके अब इसको मर्सल कर सकते हैं या फिर जो है इसको सिंपली मर्सल कर लें। तो मैं इसको मर्ज कर ले रहा हूँ, यहाँ से मर्ज हो गया है। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं week 1। आप पूरे कई वीक का भी बना सकते हैं, तो मैं सिंपल सा बना के दिखा रहा हूँ week 1। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट एडिंग जो हमारी होगी वो है आपका टोटल अटेंडेंस। तो इन दोनों को आपस में पहले हम सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया TOTL टोटल ANDANC अटेंडेंस। तो टोटल अटेंडेंस आप लिखेंगे। अब देखिए टोटल अटेंडेंस किस तरीके से ये काम करेगा, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक फार्मूला होने वाला है आपके लिए। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये और ज़्यादा इंक्रेजमेंट तरीके से दिखे। अब देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब सीरियल नंबर फटाफट हम डाल लेते हैं। चलिए हम 10 ही लोग का बनाते हैं ताकि आप फटाफट जो है कम समय में ज़्यादा चीज़ को आसानी से सीख सकें। ओके, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको ड्रैग करके भी आप निकाल सकते थे ये। तो ये ऑटो नंबर जो है नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबको सिलेक्ट कर लेना है सिंपली और बी पे क्लिक करके बोल्ड कर देना है। साइज में थोड़ी सी इंक्रेजमेंट कर देनी है। ओके, यहाँ पे फटाफट हम नेम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डालना है नेम, जैसे कि मान लीजिए मैंने डाल दिया ANSNS IMRN इमरान और यहाँ पे राहुल। उसके बाद VIN Webinar, यहाँ पे DINESH दिनेश, यहाँ पे हम टाइप कर दे रहे हैं मोनू और नेक्स्ट नेम है सोनू। और इस तरीके से आप फटाफट जो है नेम जो है टाइप करेंगे, जो भी रमेश। बस मैंने सारे स्टाफ्स के नेम जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया, सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइज में भी इंक्रेजमेंट हम कर ले रहे हैं, यहाँ से बोल्ड कर दे रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा जो है यूनिक दिखे। क्योंकि ये ऑनलाइन सीट्स है तो थोड़ा स्लो वर्क करेगा, क्योंकि या तो आपका नेट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली लोग जो है इसको निकालने के लिए आपने देखा होगा ऐसे पी लिख देते हैं, तो इस तरीके से पी आपको नहीं लिखना है। इसके लिए देखिए आपको ये जो अटेंडेंस वाली सीट है इसको आपको यहाँ से इतना पूरा सेलेक्ट करना है।
सेलेक्ट करने के बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद में आपने यहाँ पे चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे पूरे तरीके से चेक बॉक्स बन गया है, क्लियर। अब देखिए टोटल अटेंडेंस निकालने के लिए आपको सिंपली एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे काउंट 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 इफ़ लिखेंगे, ये काउंट इफ वाला फार्मूला आप सिलेक्शन में ले लेंगे। और काउंट इफ वाला फार्मूला सिलेक्शन में लेने के बाद में आपने यहाँ से यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर लेना है, यानी जो भी आपका रेंज हो आप डायरेक्ट 30 दिन तक भी बना सकते हैं और ऊपर डेट भी मेंशन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको ब्रैकेट को बंद कर दे रहा हूँ, एंटर कर दे रहा हूँ, एंटर कर दिया। अब देखिए जैसे ही अभी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जैसे आप क्या करेंगे, रेंज सेलेक्ट कराने के बाद कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे ट्रू लिख देंगे, TRUE ट्रू। अब जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे देखिए यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आप जो है जैसे मान लीजिए मंडे को कोई ये बंदा इमरान है जैसे ये आया है तो यहाँ पे आप इसको टिक करेंगे जैसे, तो देखिए ऑटोमेटिक वन काउंट हो जाएगा, इसे 2 3 4। और इस फार्मूले को हम क्या कर ले रहे हैं, पूरे को ड्रैग करा दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक नेम जो है यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट कर ले रहे हैं क्योंकि नेम जो है एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो नेक्स्ट मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ। चलिए अब देखिए जैसे भी हम किसी का प्रेजेंट लगा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर काउंट, जैसे मान लीजिए देखिए इनका पूरा मैंने प्रेजेंट टिक कर दिया है, तो इस तरीके से क्या होगा इनका टोटल देखिए 4 बार मैंने यहाँ पे टिक किया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 दिन टोटल अटेंडेंस दिखा रहा है, तो 5 6 पूरा कंप्लीट कर दिया, 6 दिन का अटेंडेंस दिखा रहा है। इस तरीके से आप फिल करते जाएंगे और इसको फिर सेव कर लें सिंपली तरीके से। आप फाइल में जाके इसको सिंपली सेव कर सकते हैं या फिर इसको आप शेयर कर सकते हैं किसी को, अगर अदर को शेयर करेंगे या पब्लिश कर देंगे वेब पे, आपकी कोई वेबसाइट है अगर उस पे वेब कर देंगे तो ऑनलाइन अटेंडेंस आप आसानी से ले सकते हैं कि वहाँ से जो जो लोग आए हैं उसकी अटेंडेंस फिल करके भेज दें, या इसकी कॉपी फाइल भी बना सकते हैं या फिर आप यहाँ से सिंपली शेयर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला ये ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा काम का है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि मैं इस तरीके का और भी अटेंडेंस शीट में कंप्लीट अटेंडेंस शीट बनाने का ऑनलाइन प्रोसेस आपको बता सकूं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसमें 30 मिनट की वीडियो जाएगी लेकिन A to Z उसमें सब कुछ निकल के आएगा। लेकिन अगर यहाँ से टोटल अटेंडेंस लिख रहा है तो इससे पहले भी हमने अटेंडेंस शीट के बारे में वीडियो ऑलरेडी दे रखी है, वो वीडियो आप देख के कंप्लीट सीख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो ऑनलाइन वाली सीखनी कंप्लीटली तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।